है, फॉर्म आप लोग भर रहे होंगे, बिना गलती के फॉर्म भर रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। अब देखो, दो बड़े प्रश्न होते हैं कि सर क्या ग्रेड फेस्ट का एग्जाम आपने आज, मैंने टेलीग्राम पे डाला, मुझे जहां तक सूचना मिली, मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिली, वही चीजें मैं शेयर करता हूं। इसका उद्देश्य आपको ना तो डरना है, जब विज्ञापन आ जाता ना, उस विज्ञापन के 3 महीने बाद कभी भी एग्जाम आयोजित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए लास्ट डेट 4 जून है ग्रेड फेस्ट की या 5 जून है, 5 जून के बाद कभी भी 3 महीने बाद एग्जाम आयोजित की जा सकती है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग इसके लिए फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होता है, और आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि साहब 3 महीने बाद कभी भी एग्जाम हो सकती है। मैंने कहा आरपीसी में इस संदर्भ में कोई विचार विमर्श हुआ होगा, जो मुझे इंटेंशन मिले हैं कि अक्टूबर में ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हो सकता है सेकेंड वीक में, और ग्रेड सेकेंड जो है वो दिसंबर में पॉसिबली हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि सेकेंड ग्रेड दिसंबर में हो सकता है, सेकेंड ग्रेड अक्टूबर में हो जाए और ग्रेड फर्स्ट दिसंबर में चल जाए, लेकिन जो मुझे सूचना मिली मैंने उस आधार पे आपको केवल एक सचेत किया है, एक सावधान किया है कि साहब ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे अपनी मेंटेलिटी ये रखें कि सितंबर तक मुझे हर दृष्टिकोण से तैयार रहना है कि 20 सितंबर बाद कभी भी एग्जाम हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ग्रेड सेकंड के बच्चे को भी ये सेम एटीट्यूड रखना है कि अगस्त के बाद कभी भी एग्जाम हो जाए मुझे तैयार रहना है, चाहे ग्रेड सेकंड का एग्जाम दिसंबर में पॉसिबली हो या ग्रेड फर्स्ट का मान लो एग्जाम अक्टूबर में पॉसिबली हो। आपको इन चीजों पे कभी भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना चाहिए। मेरा उद्देश्य या कोई भी उद्देश्य एक सूचना देता है, उसे जो पता लगता है वो एक सूचना से आपको अवगत कराता है, जरूरी नहीं है कि सूचना एकदम सही हो। हमें ये करना है, मेरे पास जो वक्त है, मेरे